और एजेंट जोया को रॉ और ISI की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की ISI आज तक टाइगर और जोया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब भी दुनिया के अलग अलग शहरों में उनके देखे जाने की खबर मिलती रही और आज तक यकीन से कोई नहीं कह पाया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, वो नजारा कैसा होगा जब बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार एक साथ एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की आने वाली मस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 की। जैसा कि आप सभी को पता है, शाहरुख खान की मूवी पठान में सलमान खान का कैमियो देखने को मिला था। पठान मूवी में सलमान खान हमें आखिर में एक छोटे से रोल में देखने को मिले थे। इसके साथ साथ हमें सलमान खान की मूवी टाइगर 3 में भी शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलने वाला है, इसीलिए लोगों के बीच इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, टाइगर 3 मूवी में हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ और भी बड़े एक्टर्स इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। वही बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो दोस्तों इस मूवी को मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनाया जाएगा और टाइगर 3 मूवी की रिलीज डेट 10 नवंबर 2023 को देखने को मिलने वाली है, वो भी दिवाली के मौके पर। टाइगर 3 मूवी को लेकर मेकर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ये मूवी 225 करोड़ रुपए की बजट की मूवी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मूवी ज्यादा से ज्यादा कमाई करे। टाइगर 3 मूवी के लिए लोग काफी लंबे समय से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं और मूवी को लेकर लोगों के अलग ही एक्साइटमेंट बना हुआ है। तो दोस्तों, शाहरुख खान और सलमान खान को एक बार फिर से देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट में जरूर